में आपका स्वागत है। आज हम लोग हैं ग्रेटर नोएडा के अंदर, यहाँ पे हो रहा है चतुर्थ बुद्ध महोत्सव, जो कि हजारों की संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं, पूरे उत्तर प्रदेश यानी देश विदेश से यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे साथ है केपी सिंह जी। केपी सिंह जी, इतना बड़ा जो कार्यक्रम करते हैं उसका क्या उद्देश्य है कार्यक्रम करने का, बुद्ध महोत्सव का? बुद्ध महोत्सव का है कि बाबा साहब की जो विचारधारा से कि हर एक मनुष्य को समान अधिकार मिले, समान तरह से हर तरह के शिक्षा में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, सभी में उनको बराबर का अधिकार मिले, उसी को लेकर के हम कि बाबा साहब की जो विचारधारा है कि वो जन जन में पहुँचे और उसके लिए ज्ञान चर्चा के लिए काम करें। ज्ञान चर्चा कहाँ कहाँ पर जाती है और इसके क्या तरीके और हैं, उन तरीकों पर काम करें? हाँ, मैंने कर दिया है। 2 मिनट रुक जाओ बस। हमारी भीम ज्ञान चर्चा घर घर जाकर के कई जिलों में अभी काम कर चुकी है और अब धीरे धीरे स्टेटों में भी फैल रही है। 2 मिनट रुक जाओ बस। हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, इन चीज़ों पर जा रही है और भीम ज्ञान चर्चा घर घर जाकर के बाबा साहब के विचारों को फैलाने का काम करती है, जागृति फैलाने का काम करती है। और भीम ज्ञान चर्चा का एक उद्देश्य है कि ये घर जाके सभी लोगों को, महत्वपूर्ण यह है कि महिलाओं को जागृत करेगी, जिससे कि परिवार जागृत होगा, क्योंकि परिवार को जागृत करने में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। मेरा नाम है दीपक बोध। दीपक जी, एक बात बताइए, ये जो भीम ज्ञान चर्चा है, इसमें जो एजेंडा तो बता दिया है कि महिलाओं को और पहुँचाना रहता है, लेकिन आप किस तरीके से इसको मैनेज करते हैं और ज्ञान चर्चा ये बताइए? सर, भीम ज्ञान चर्चा ये हमारे साथियों से मिलके जो गाँव गाँव जाके काम करते हैं, जो हमारे इसमें कुछ एम्प्लॉई गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, कुछ हमारे साथी भी हैं जो सहयोग करते हैं। हमारे ये साथी चुनाव इनपे ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मिलता है, ये गांव में जा जाके बाबा साहब के विचारों को फैलाने काम करते हैं, हम लोग पर सवाई करते हैं, हम गाँव गाँव जा जाके महिलाओं को, बच्चों को शिक्षा के तरफ आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं। और हमारे साथ एडवोकेट अक्षय सिंह हैं। एक बात बताइए साहब, आप बहुत दिन रात इसमें काम करते हैं, आपको किन तकलीफों का सामना करना पड़ता है, तथागत की वजह से आपका काम हो जाता है, वो बताएं जरा। आपको बहुत धन्यवाद, साधुवाद, और आपको ये पावन पर्व बहुत महोत्सव मुबारक हो। हम इस पर्व के उत्साह को देख रहे हैं, कोई कठिनाई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो दिक्कतें थी वो बाबा साहब ने झेल ली हैं। हमको तो बस उस मार्ग पर चलना है जिसकी तरफ बाबा साहब इशारा करते हैं। मैं आप तमाम लोगों को बता दूं कि भीम ज्ञान चर्चा मिशन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के सांस्कृतिक और धार्मिक आंदोलन को गति दे रहा है, इसको आगे बढ़ा रहा है। और भीम ज्ञान चर्चा बिना कोई खर्चा का हमारा नारा है। हमने पिछले एक वर्ष में भीम ज्ञान चर्चा ने रिकॉर्ड 6000 एक्टिविटीज़ की हैं, जो अपने आप में एक माइलस्टोन है। और कई लाख रुपए का लिटरेचर जो बाबा साहब की जीवनियां हैं, अन्य महापुरुषों की जीवनियां हैं, जन जन तक पहुंचाने का काम किया है गिफ्ट के माध्यम से। तो ये बौद्धों का उत्सव है, बौद्ध महोत्सव है, और हम ये जानते हैं कि हम इस देश की विरासत के श्रेष्ठ वंशज हैं। हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और तमाम बौद्धों के योग्य उत्तराधिकारी।